Hello students, I am your math teacher. Today we will discuss about class 9 NCERT lesson linear equation in two variable. This is part 9 video. In this video we will discuss about graph of linear equation in two variables. So, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, मतलब हमको ग्राफ ड्रा करना है बाय यूजिंग द इक्वेशन। सो वहां पर हमको थ्री मेन पॉइंट्स ध्यान में रखना है जो मैंने यहाँ पर लिख कर रखे। फर्स्ट पॉइंट ये है, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो आपका ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन रहेगा जो ग्राफ बनने वाला है। सपोज यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके बताता, यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस है, जो आपका ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ किस तरह से होगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, किसी भी डायरेक्शन में रहेगा लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ओके, एंड सेकंड पॉइंट क्या बोला है यहाँ पर, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन विल बी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द लाइन। मतलब जितने भी ये यहाँ पर ग्राफ पे पॉइंट आएंगे, सपोज ये पॉइंट हो या फिर यहाँ पर रहने दो या फिर यहाँ पर रहने दो फिर यहाँ पर रहने दो, ये पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या बोला है, एवरी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन विल नॉट बी अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द लाइन। मतलब अगर कोई पॉइंट यहाँ लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, अगर कोई भी आपका कोऑर्डिनेट्स पॉइंट यहाँ लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इट मीन्स क्या होगा, वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा, वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम, सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, समझ लो कि यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री है। ओके, तो ये इक्वेशन से हमको क्या पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये इक्वेशन यहाँ पर है तो यहाँ पर x एंड y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो समझ लो कि यहाँ पर सपोज पुट मैंने किया है, पुट x इक्वल टू जीरो, अगर मैंने यहाँ पर x इक्वल टू जीरो पुटअप किया है मान लो यहाँ पर, सो आपको y का पॉइंट क्या मिलेगा, x की जगह जीरो पुटअप कर लो देन y वैसे रहेगा इज इक्वल टू थ्री। मतलब y इक्वल टू कितना मिल रहा है यहाँ पर, आपको थ्री मिल रहा है, यहाँ पर y इक्वल टू थ्री मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर x की तो वैल्यू जीरो है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर अगर आप y की जगह मतलब जीरो पुटअप करते हैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू, आप फिर x की वैल्यू कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सपोज मैंने यहाँ पर पुट y इक्वल टू जीरो किया है, पुट y इक्वल टू जीरो, ओके, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर देखो x की जगह x ही रहेगा, x की जगह x ही रहेगा, y इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, जीरो पुटअप करेंगे सो क्या मिलेगा यहाँ पर, थ्री मिलेगा। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ पर थ्री मिल रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू मिल रहा है थ्री, यहाँ पर मिनिमम आप मतलब मैक्सिमम यहाँ पर लिमिटेड टू टाइम्स टू पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ फाइंड आउट करना है तो। अगेन आपको सपोज यहाँ पर x की वैल्यू अगेन फाइंड आउट करना है, मतलब अनदर वैल्यूज लेना है, सपोज मान लो कि x इक्वल टू यहाँ पर आपने वन लिया है, x इक्वल टू यहाँ पर आप मान लो कि वन लिया है, तो यही पुट अप कर लो, x की जगह क्या आएगा यहाँ पर वन आएगा देन प्लस y तो वैसे रहेगा इज इक्वल टू थ्री। सो यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकलेगी, y इक्वल टू ये थ्री और ये शिफ्ट होगा इधर तो माइनस वन, मीन्स क्या होगा यहाँ पर y इक्वल टू कितना मिल रहा है, यहाँ पर आपको टू मिल रहा है, यहाँ पर y इक्वल टू कितना मिल रहा है, यहाँ पर आपको टू मिल रहा है। सिमिलरली अगेन आपको पॉइंट लेना है यहाँ पर, सपोज y का पॉइंट यहाँ पर जीरो लिए, अगेन y की वैल्यूज लेना है यहाँ पर, y इक्वल टू सपोज मान लो कि पुट y इक्वल टू वन, यहाँ पर y इक्वल टू आपने वन लिया है। सिमिलरली इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू वन डालो तो क्या होगा, x प्लस y की वैल्यू वन रहेगी इज इक्वल टू थ्री, देन क्या मिलेगा x इक्वल टू यहाँ पर थ्री, ये शिफ्ट होगा इधर वन, मीन्स क्या होगा x इक्वल टू कितना मिल रहा है, यहाँ पर आपको टू मिल रहा है, x इक्वल टू यहाँ पर टू मिल रहा है। मीन्स यहाँ पर देखो इसके हर एक के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हो यहाँ पर, तो कितना मिल रहा है यहाँ पर, x की वैल्यू आपने जीरो पुट अप किया तो y कितना मिला, थ्री मिला, देन यहाँ पर देखो यहाँ पर y की वैल्यू जीरो पुट अप किए तो x की वैल्यू कितना मिला, थ्री मिला, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, थ्री जीरो। देन यहाँ पर देखो यहाँ पर आपने x की वैल्यू वन पुट अप किए तो y कितना मिला, टू मिला, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वन टू,
देन यहाँ पर देखो y की वैल्यू 1 पुटअप करने के बाद x की वैल्यू कितना मिला है 2 मिला है, तो यहाँ पर होगा यहाँ की वैल्यू x की वैल्यू कितना मिला है 2 मिला है और y का कितना है 1 है। ओके तो यही पॉइंट्स लेकर आपको क्या ग्राफ फाइंड आउट करना है। आपने यहाँ पर लिखता है आपको पॉइंट कौन कौन से मिले यहाँ पर इक्वेशन 1 के लिए, यहाँ पर देख लो आपने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल कौन सा लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिया था। ओके तो यहाँ पर x एंड y के कोऑर्डिनेट्स कौन से मिले, ये मिले। हम यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखते हैं, यहाँ पर देखो क्या होगा ये x और y है। ओके x एंड y के कोऑर्डिनेट्स आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, पहले देख लो वहां पर 0 3 x 0 तो y कितना है 3 है। सेकंड इसमें देख लो क्या है वहां पर y 3 है तो 0 कितना है x है, सॉरी 3x है, x की वैल्यू 3 है तो y कितना मिला है 0 मिला है। देन यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर x कितना लिए यहाँ पर 1 लिए तो y कितना मिला है यहाँ पर आपको 2 मिला है। सिमिलरली यहाँ पर नीचे में देखो यहाँ पर x 2 लिया है तो क्या होगा यहाँ पर y का कितना मिल रहा है यहाँ पर 1 मिल रहा है। इस तरह से आपको क्या मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मिलेंगे, मतलब यहाँ पर देखो आपको कौन कौन से पॉइंट मिले हैं, फर्स्ट यहाँ पर 0 3, सेकंड कौन सा मिला है 3 0, देन थर्ड कौन सा मिला है 1 2 एंड फोर्थ कौन सा मिला है 2 1। अब देखेंगे कि ये पॉइंट्स एक ही ग्राफ पर आते हैं या नहीं आते। ओके ऑलरेडी ये पॉइंट्स पूरे मतलब हमने जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट लिए ये पॉइंट्स क्या है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है और एक ही ग्राफ पे मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पर आएंगे, तो हम अभी चेक करेंगे। देखो मैं ये इरेज करता है, यहाँ पर हम ग्राफ निकालेंगे। अब देख लेना मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक है, हमारे 3 तक है। तो हम यहाँ पर ग्राफ निकालते समय यहाँ पर देखो ग्राफ निकाल रहे, ग्राफ किस तरह से होगा हमारा, इस तरह से हम ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ओरिजिन 1 2 3 4 3 तक है तो हम 3 तक ही ले सकते हैं, 1 2 3 यहाँ पर 4। ओके ये हमारा x है, ये क्या रहेगा x डैश रहेगा, देन अगेन यहाँ पर आपका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये आपका क्या है y एक्सिस, देन 1 2 3 4 ये आपका y डैश। ओके तो राइट साइड में क्या रहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में कौन से रहेंगे यहाँ पर आपके नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4, देन अपवर्ड डायरेक्शन में कौन से रहेंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन से रहेंगे -1 -2 -3 -4। ओके अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट कौन सा मिला है 0 3। ओके एक्स का पॉइंट क्या है 0 और वाई एक्सिस का क्या है 3 है। ओके तो यहाँ पर ये होगा 0 3, ये पॉइंट बन जाएगा। ओके सेकंड पॉइंट कौन सा मिला है 3 0, मतलब क्या है एक्स का है एक्स एक्सिस का है 3 और वाई एक्सिस का है 0। नाउ नेक्स्ट क्या मिला यहाँ पर 1 2, एक्स एक्सिस का 1 और यहाँ पर देखो ये 2। ओके तो इस तरह से ये पॉइंट बनेगा 1 2। नाउ नेक्स्ट क्या मिला है 2 1, मतलब ये 2 एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 1, मतलब ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। अब देख लो ये ऑल पॉइंट एक ही मतलब लाइन पे दिख रहे हैं, अगर यहाँ पर आप ग्राफ ड्रा करते हो तो इसका ग्राफ इस तरह से ड्रा होगा, इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके यहाँ पर इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये क्या रहेगा आपका ये जो ये लाइन रहेगी ये क्या रहेगी आपकी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पर देखो ऑलरेडी क्या है ये लाइन ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ फाइंड आउट हुआ है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट हमारा फॉलो हुआ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। नाउ ऑल पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पर आपको चेक करके देखना है, तो यहाँ पर देखो ऑल पॉइंट्स आप चेक करके देख सकते हैं, मतलब जस्ट मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये देखो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो आपको इक्वेशन क्या आता है यहाँ पर देख लो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितना है 3 है इज इक्वल टू 3, मतलब 3 इज इक्वल टू 3, मतलब ये आपको मिला यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर फर्स्ट चेक किए तो
सेकंड चेक करके देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 30 मतलब x की वैल्यू कितना है 3 और y की वैल्यू कितना है यहाँ पर 0 इज इक्वल टू, ये कितना मिला यहाँ पर भी 3 इज इक्वल टू 3, मतलब ये भी आपका क्या हुआ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। थर्ड पॉइंट चेक करके देखो यहाँ पर आपका क्या था x प्लस y इक्वल टू 3, ओके तो यहाँ पर देखो ये क्या है x की वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 और y की 2 है, तो पुट अप करके देखो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, मतलब ये भी आपका क्या हुआ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हुआ। नाउ फोर्थ पॉइंट चेक करके देखते हैं यहाँ पर देखो 2 1, मतलब क्या x की वैल्यू 2 है, y की क्या है 1 इज इक्वल टू 3 मिला, ये 3 इज इक्वल टू 3, मतलब ये भी क्या हुआ आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो पॉइंट्स यहाँ पर आपके स्ट्रेट लाइन पर आते हैं वो क्या रहेंगे आपके सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर कोई पॉइंट अनदर लाइन पर आ रहा है, मतलब y एक्सिस पर अनदर प्लेसेस पर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहा है, इट मींस क्या रहेगा वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर हमारा 2 तो फॉलो हो गया है। नाउ थर्ड में हमने क्या बोला है कि अगर कोई पॉइंट्स लाइन के बाहर रह जाए तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नहीं रह जाए, तो आपके पूरे पॉइंट्स क्या रहेंगे यहाँ पर ये वाले सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रहेगा, और जो आपको स्ट्रेट लाइन मिली है वो क्या रहेंगे आपकी x प्लस y इज इक्वल टू 3, ओके। नाउ इसके एग्जांपल्स देखते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।